सीमा हैदर के लुक पर भी आप देखिए तो आप देखेंगे कि एक गरीब तबके से, जैसा कि वो खुद बता रही हैं कि कुछ उनके पास अपना एक घर ली जैसे तैसे पैसा ये करके, किराए में रह रही हैं, बहुत अच्छे से नहीं लाइफ स्टाइल थी उनकी, तब उनका एक पूरा स्ट्रक्चर देखिए, पर्सनालिटी देखिए, तो आपको समझ में आएगी कि सीमा हैदर की जो पर्सनालिटी है, दो बच्चे की माँ है और दो पहली पत्नी के बच्चे हैं, तो ऐसी जो पर्सनालिटी है वो एक्सरसाइज के बिना नहीं होती है। लेकिन कोई महिला पाकिस्तान से आ जाती है दुबई होते हुए, नेपाल होते हुए भारत, लेकिन जो भक्त हैं वो क्या देखकर खुश हैं कि सीमा हैदर पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ जाती है सचिन के लिए और वो अपना धर्म परिवर्तन कर ली है, तो इन्हें सिर्फ धर्म परिवर्तन दिख रहा है लेकिन उसके पीछे की साजिश नहीं दिख रही है। तो इसका मतलब है कि देश से देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति ये सब एक ढोंग है, देशभक्ति के ऊपर धर्म भारी है, आप लोग सिर्फ धर्म के चश्मे से देख रहे हैं। देशभक्त नहीं, ये सिर्फ वो सत्ता भक्त लोग हैं, सत्ता ग्रही लोग बैठे हुए हैं, देशभक्त नहीं। देखिए अगर कोई और ऐसा आ जाता, कोई भूल से भी, जैसे होता है कि पाकिस्तान बॉर्डर है, कोई भेड़ चराने वाला कोई भूल से भी अगर चले आए तो सरकार उसे नहीं बख्शती, हमारी सेना उसे नहीं बख्शेगी, लेकिन सीमा हैदर चार बच्चों के साथ भारत आ जाती हैं, धर्म परिवर्तन कर लेती हैं, मीडिया पूरा नेशनल मीडिया और भक्तजन एकदम खुशी से झूम रहे हैं कि मुसलमान लेडी हिंदू हो गई है, सचिन के प्यार में पागल होकर भारत आ गई है, लेकिन इसके पीछे देश की आंतरिक सुरक्षा कहीं ना कहीं खतरे में है, इस बात को नहीं ध्यान दिया जा रहा है। इस बात की है कि कोई दूसरे धर्म की लड़की हमारे धर्म में आ गई, सिर्फ इस बात की खुशी, ये नहीं है कि दुश्मन देश की लड़की है। मैं तो यही बोल रही हूँ कि राष्ट्रभक्ति देशभक्ति के ऊपर धर्म महंगा है, धर्म भारी है, और जहाँ पर धर्म की बात आ जाती है वहाँ पर सोचने समझने का सलाहियत भी खत्म हो जा रही है। वो लोग सिर्फ देख रहे हैं कि सीमा हैदर आ गई, हिंदू बन गई, टीका लगा रही है, मूर्ति पूजा कर रही है, ये सब देख रहे हैं। ठाकुराइन बन गई है, मतलब यहाँ पर सिर्फ नाक की लड़ाई है, पर जो यहाँ आपका IQ है, सेंस है, एक देश से प्यार मोहब्बत जो रखेगा, ये पहले ये सोचेगा कि एक ऐसी लड़की जो 5वीं क्लास पढ़ी हुई है और जाहिर सी बात है कोई बहुत अच्छे, जैसा दिखाया जा रहा है कि बहुत रईस घर से नहीं है, बहुत वेल टू डू फैमिली से नहीं है, तो हम समझ सकते हैं कि एक तो 5वीं क्लास पढ़ी हुई, वो भी पाकिस्तान में, जैसा कि हम सभी जानते हैं और ये नेशनल मीडिया ही बोलता है कि जैसे बहुत कुचल के रखा जाता है, दबी कुचली हुई होती हैं पाकिस्तान मुसलमानों के घर की महिलाएं, तो वैसी महिला पाकिस्तान से दुबई आती है, दुबई से एक एक ये की बात है, जो ऐसी महिला शहर में भी निकलने में डरती हैं, जैसे ये लोग ही दिन रात ये फैलाते हैं, एक र्यूमर फैला जाता है कि घर से नहीं निकलने दिया जाता है, बहुत दबा के, वो भी पाकिस्तान मुल्क से दुबई आ जाती है, दुबई एयरपोर्ट से फिर नेपाल आती है, नेपाल से फिर इंडिया आती है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है और कोई आम महिला की बात नहीं है, और कोई पागल भी ऐसा नहीं करेगा कि पूरे पाकिस्तान में प्यार करने के लिए सीमा हैदर को कोई नहीं मिला था और सचिन ही मिला था भारत का, और भी कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ होता, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जिसके लिए आ गई भारत, तो वो तो सचिन तो एक नॉर्मल भी लुक वाइज नहीं है, और पैसे वाला भी नहीं है, तो ऐसा क्या कि चार बच्चे को छोड़कर, चार बच्चे के भविष्य को आप ताक में रखकर भारत आ रही है, बहुत बड़ी इसमें कोई साजिश है, यार किसी शान और शौकत को नहीं देखता है कोई, ये तो मुझे लग रहा है कि ये काफी सालों से एक प्लॉट कंस्ट्रक्ट किया गया है, प्लॉट कंस्ट्रक्ट करने के बाद, हाँ मुझे तो जो लग रहा है कि ये एक दिन दो दिन नहीं 10 सालों की तैयारी है पीछे, और पूरा प्लॉट बनाकर तब यहाँ पर एक फाइनल, हाँ मैं लुक वाइज, हाँ ये लोग मैं नहीं बोलना चाहती, लुक तो ऊपर वाले का दिया हुआ है, होता है, लेकिन सही बात है कि एक भाई के लिए मैं कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन सीमा हैदर के लुक पर भी आप देखिए तो आप देखेंगे कि एक गरीब तबके से, जैसा कि वो खुद बता रही हैं कि कुछ उनके पास अपना एक घर ली जैसे तैसे पैसा ये करके, किराए में रह रही हैं, बहुत अच्छे से नहीं लाइफ स्टाइल थी उनकी, तब उनका एक पूरा स्ट्रक्चर देखिए, पर्सनालिटी देखिए, तो आपको समझ में आएगी कि सीमा हैदर की जो पर्सनालिटी है, दो बच्चे की माँ है और दो पहली पत्नी के बच्चे हैं, तो ऐसी जो पर्सनालिटी है वो एक्सरसाइज के बिना नहीं होती है। लेकिन भारत सरकार बात करती है जनसंख्या नियंत्रण कानून, इसमें दो बच्चों का प्रावधान रखा है, वहीं पाकिस्तान थी पहले से चार बच्चे आ गए, तो इसमें मतलब सिर्फ इन लोगों को ये लग रहा है कि पाकिस्तान का नाक कट गया, पाकिस्तान से अब्दुल की बेइज्जती हो गई, पाकिस्तान से एक महिला चली आई भारत में, अगर यही कोई सचिन के जगह सलमान होता तब क्या होता, तब तो पूरा परिवार को उठाकर जेल में डाल दिया जाता, कोई सुनवाई ही नहीं होती, बुलडोजर चल जाता,
तब देश की आंतरिक सुरक्षा दिखती, तब वो सीमा हैदर में इन्हें जासूस दिखती, लेकिन बात यहाँ पर सचिन की है, इसलिए ये सब अंधे हो गए हैं और अंधे होकर जो खतरा मंडला रहा है वो वो नहीं देख रहे हैं। लगातार धमकी आ रही है पाकिस्तान से कि बिल्कुल 11/26 का भी धमकी दे रहे कि दोहराई जाएगी अगर सीमा को पाकिस्तान नहीं भेजा गया तो। मुझे तो इसमें मैं सच बताऊं तो ये सब पाकिस्तान सरकार और ISIS है ना, और पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है ISI जो खुफिया एजेंसी है उसका हाथ लग रहा है। ये पूरा बनाकर एक पूरा प्लॉट किया गया है भारत में। एक आम महिला, मेरे हिसाब से जितना मैं समझती हूँ, एक आम महिला, घरेलू महिला, वो भी बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं, 5वीं क्लास पढ़ी हुई, और वो भी पाकिस्तान से, पाकिस्तान की, जैसा कि मीडिया ही दिन रात दिखाती है पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तानी मीडिया में चल रहा है कि 5वीं पास महिला भारत की सुरक्षा को पूरा तोड़ के घुस गई अंदर। अगर कोई आतंकवादी होता पढ़ा लिखा इंसान होता तो क्या हाल होगा। वही तो मैं बोलने सोचने पर मजबूर हूँ कि सोचिए कि इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि उसके साथ तो कुछ भी हो सकता था। तो उस लेडी के करेज को सिर्फ देखिए, और जिस तरह मीडिया बाइट्स दे रही है, एक घरेलू महिला अगर खड़ी कर दीजिए ना तो एक लफ्ज बोलने में सोचती है, डरती है, बोल नहीं पाएंगे। नहीं मतलब, और सुबह से शाम तक वो खुद ही बोलिए सही से टाइम से खा नहीं पा रहे, एकदम आराम से बजाबते, और सचिन उसके बगल में बैठ के सिर्फ एक मतलब लेकिन लोग सवाल खड़े बैठ के चुपचाप बैठ के उसे सिर्फ पपेट के जैसा रखा गया है। हाँ मतलब एक रबर स्टैंप के जैसा सीमा के बगल में, और मेन काम जो है सीमा हैदर कर रही है, एक महिला को के कर रही है, वो भी पाकिस्तान की महिला, लेकिन एक सवाल यहाँ पे ये है, और वो भी मुस्लिम कंट्री की महिला, जैसे ये बोला जाता है कि दबा के कुचल के रखा जाता है, सबसे बड़े दुश्मन मुल्क। एक सवाल ये है यहाँ पे कि भारत में बाबा है बागेश्वर बाबा, उन्होंने कुछ दिन पहले पाकिस्तान को भारत में मिला के हिंदू राज बनाने की बात, हम तो इस्तकबाल करते हैं, मोस्ट वेलकम है, बनाए, हम तो साथ हैं, हम तो खुद चाहते हैं। सवाल पूरा कर लीजिए, तो उसी के भक्त खुद को ये बताने लगे हैं, कह रही हैं कि मैं उनकी कथा में जाना चाहती हूँ, तो कहीं उन पर ही तो पाकिस्तान को अटैक नहीं करवाने वाला है इनके जरिए। लोग ये भी कह रहे हैं कि बाबा बागेश्वर पर हमला हो सकता है इनके जरिए, कुछ भी हो सकता है, बहुत खतरनाक बात है ये, और हमारे जो ब्रिज हो रहा है यहाँ पर, जो आंतरिक सुरक्षा है उसके साथ कुछ भी कर सकती हैं, बहुत खतरनाक बात है। ह्यूमन बम होते हैं, ऐसे छोटे बच्चों को भी यूज किया जाता है, हो सकता, सुनिए मैं ये बोल रही हूँ कि महिला कोई भी अपने सेफ्टी को खतरे में डाल सकती है, लेकिन अपने बच्चों के, जबकि उसे पता था कि भारत आना है और भारत की इंटेलिजेंस जो है रॉ है और पूरी सिस्टम जो है उसे एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, कोई महिला खुद झेल जा सकती है लेकिन अपने बच्चों के लाइफ के साथ नहीं खेल सकती है। एक बात कही कि बच्चों का भी इस्तेमाल हो सकता है, बिल्कुल, बाबा बागेश्वर की सभा में जाना चाहती है तो इससे बाबा बागेश्वर को डरना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान की है, बिल्कुल डरना चाहिए, बिल्कुल डरना चाहिए। देखिए मैं यही बोल रही हूँ कि पूरे इन लोगों के आंखों में धर्म का चश्मा लगा कर देख रहे हैं, मैं बोलूंगी धर्म का चश्मा उतारिए, धर्म के चश्मा को उतार के हटाइए और असलियत देखिए, एक नॉर्मल बात सोचिए कि एक महिला, आम महिला, आम से भी नीचे, नॉर्मल से भी ज्यादा, बिलो मतलब पॉवर्टी लेवल की महिला, 5वीं पास महिला, वो भी पाकिस्तानी ऊपर से, हम जानते हैं कि पाकिस्तान में, पाकिस्तान के जो भी तबका है वो वहां पर महिलाओं को कैसे रखा जाता है, वहीं की महिलाएं कैसी होती हैं, वो ये तो लग रहा है पूरा वेल ट्रेन्ड है। कुछ सलाह देंगे आप बाबा बागेश्वर को इससे मुताल्लिक? मैं बाबा बागेश्वर तो बाद में है, मैं सबसे पहले भारत सरकार को, अपनी इंटेलिजेंस को ये सलाह दूंगी कि आप लोग भी जो धर्म का चश्मा पहनकर और बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, आप लोग सही से निरीक्षण कीजिए, पता कीजिए कि इसके पीछे क्या बात है और हाँ क्या चाल है। और मैं ये नहीं बोली कि बहुत उनके साथ हार्श हुई है, कम से कम अच्छे से बैठ के एक बार उनसे पूरी पूछताछ होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि जो उनका भोला भाला चेहरा है, इतनी भोली है वो, ये कॉमन सेंस की बात है, अगर धर्म का चश्मा हटा के देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्या कहना चाहेंगे जो लगातार धमकियां दे रहा है भारत को? देखिए पाकिस्तान तो हमेशा धमकी देते रहता है, पर भारत को पाकिस्तान की धमकियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम आज़ादी के बाद से हमेशा पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते आ रहे हैं और आगे भी भारत मुंहतोड़ जवाब देते रहेगा। धन्यवाद।